हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो आज जेके लेटेस्ट अलर्ट्स आप सबके साथ एक और न्यू वीडियो लेके आ गया है। तो आज हम आप सबके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के कट ऑफ की, और ये कट ऑफ की सेकंड वीडियो होगी जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ की बातचीत करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर दें, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बता दें कि हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, आप उसको भी जाके देख लें। हमारे चैनल पे आपको जेके एसएसबी क्लास फोर्थ की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे हमने क्लास फोर्थ के रिलेटेड हर एक डाउट्स के लिए वीडियो अपलोड की है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं, और अगर तब भी क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी बची हुई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया कट ऑफ एनालिसिस के लिए। तो आज हम बात करेंगे जो बची हुई डिस्ट्रिक्ट्स थी। तो चलिए पहले डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करते हैं हम बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से। आज हम मेनली कश्मीर डिवीज़न और जो बची हुई जम्मू डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट थी उनकी बात करेंगे। तो पहले बांदीपुरा की बात कर ले, तो इसका जो हमें लगता है कट ऑफ वो लगता है ओपन मेरिट का 47 जाने के चांसेस सेकेंड डिवीज़न के, जो कि फर्स्ट डिवी के बाद कट ऑफ 51.99 गया था, तो सेकंड में 47 जाने के चांसेस हैं। वहीं आरबीए की बात कर ले, तो आरबीए का कट ऑफ जो है वो 42 प्लस जाने के चांसेस है, जबकि आरबीए का फर्स्ट टाइम कट ऑफ 48.75 गया था। वहीं बात की जाए एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है सेकंड डीवी के बाद होने के बाद हमें पता चल देखा है, एनालिसिस करके हमें पता चल रहा है कि एससी का कट ऑफ जो है वो 41 प्लस जा सकता है। वहीं जो फर्स्ट टाइम का कट ऑफ था वो 45 था। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में एसटी का 39 प्लस जाने के चांसेस है। एंड देन एएलसी आईबी की बात करें तो इसका 40 प्लस जाने के चांसेस है, जो फर्स्ट टाइम 44 गया था। एंड नाउ बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस का अब कट ऑफ जाने का चांसेस 42 प्लस है, जबकि ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट टाइम कट ऑफ 48.53 गया था। वहीं पीएसपी की बात करें तो पीएसपी का जो इसका कट ऑफ है उसका एनालिसिस अगर हम बात करें तो उसका जो कट ऑफ है वो आपको 40 या 42 प्लस जा सकता है, क्योंकि पीएसपी का जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि तब हमारा एनालिसिस नहीं हो पाया था, पर अब हम जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 41 प्लस जाने के चांस है डिस्ट्रिक्ट वाइज। इससे ऊपर भी जा सकता है एक नंबर, इससे एक नीचे नंबर नीचे भी जा सकता है, पर इसके आसपास ही रहेगा। वहीं सोशल कास्ट की बात करें तो इसका कट ऑफ जो है वो 43 प्लस जाने के चांसेस है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कट ऑफ जो 50.35 था। और वहीं एक्स सर्विस मैन की बात करें तो हमने जैसे अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि एक्स सर्विस मैन का जो 25 से लेके 30 के बीच रहने का चांसेस है कट ऑफ का, और ये कट ऑफ कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, हमारे खुद का एनालिसिस जेके लेटेस्ट अलर्ट्स का कट ऑफ का एनालिसिस है। तो आप हमारी वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जैसे बाकी वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जिसका कट ऑफ जो फर्स्ट मेरिट का है वो 56 गया था, और इस बार 49 प्लस जाने के चांसेज है। वहीं बात की जाए आरबी कैटेगरी की, तो आरबी का कट ऑफ जो इस बार जाने के चांसेस है वो 45 प्लस है, जबकि फर्स्ट टाइम 49 का कट ऑफ गया था। और इस बार बात की जाए एससी कैटेगरी की, तो एससी का फर्स्ट टाइम कट ऑफ जो था वो 46 गया था, और इस बार जाने के चांसेस 43 प्लस जाने के चांसेस हैं। और एसटी की बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ है वो सेकेंड टाइम गया था जाने के चांसेस है 39.5, जबकि फर्स्ट टाइम जो कट ऑफ गया था वो 42.24 गया था। एंड एएलसी की बात करें तो एएलसी का यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस 35 प्लस है इस बार पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की। एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट टाइम कट ऑफ 51.25 गया था, एंड इस बार जाने के चांसेस 46 प्लस है। वहीं पीएसपी की बात करें तो पीएसपी का जैसे हमने पहले ही बताया आपको, इस बार भी इसका जाने का चांसेस 35 to 30 के बीच ही रहेगा, एंड सोशल कास्ट का 47 प्लस जाने के चांसेस है। पीएसपी का आप हालांकि देख सकते हैं कट ऑफ कम जा रहा है बाकी कैटेगरी के हिसाब से, तो इसलिए क्योंकि पीएसपी जो कम डिस्ट्रिक्ट्स में है, हालांकि कश्मीर में तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में पीएसपी है, पर जम्मू डिवीज़न में सिर्फ रजौरी और पुंछ पे ही पीएसपी कैटेगरी है, तो इसी वजह से पीएसपी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और एक्स सर्विस मैन का कट ऑफ तो 24-25 के बीच तक ही रहेगा, जब मैक्सिमम 30 जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। देन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट टाइम कट ऑफ गया था वो 51.24 ओपन मेरिट का गया था, और इस बार जाने के चांसेस जो है वो है 46.5, जो आप देख सकते हैं वीडियो में। एंड आरबी डिस्ट्रिक्ट आरबी कैटेगरी की बात करें तो सेकंड टाइम इसका कट ऑफ जाने के चांसेस
43+ हैं, जबकि फर्स्ट टाइम अगर हम देखें जो जे के एस एस बी ने दिया था तो उसमें 48.12 लिखा था। वहीं बात की जाए एसटी कैटेगरी की, एसटी का 39+ जाने के चांसेस हैं। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है वो 42+ जाने के चांसेस है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एंड देन एएलसी की बात करें तो इसका 37 to 38 के बीच रहेगा जो हमारा एनालिसिस बताता है, और ईडब्ल्यूएस का जो हमारा एनालिसिस बता रहा है वो 35+ जाने के चांसेस हैं। और ये एनालिसिस जो है हम पिछला ट्रेंड देख के प्रिपेयर करते हैं कि क्लास फोर्थ की फर्स्ट लिस्ट में क्या कट ऑफ गया था, किस हिसाब से कट ऑफ गया था, पोस्ट के हिसाब से, तो वही हम देख के प्रिपेयर करते हैं। हमने एसआई का भी किया है, जेके पी एसआई का, वो भी आप देख सकते हैं वीडियो। एंड देन पीएसपी की बात करें तो 37 to 39 के बीच जाने के चांसेस है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। एंड सोशल कास्ट का, एक सेकेंड ये स्लाइड यहाँ पर मिस हो गई, तो सोशल कास्ट का बात करें तो 42+ जाने के चांसेस है। वही एक्स सर्विस का मैन का 25 to 30 के बीच रहेगा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें ताकि सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता चल सके और आप प्रेफरेंस दे सके जब आपको अपने डिपार्टमेंट चूज़ करना हो, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी हो, कहाँ पे आपको सीट्स लेनी है, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट का जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो 48.5 तक जाने के चांसेस हैं, जबकि फर्स्ट टाइम 54 के करीब गया था। एंड आरबीए की बात करें तो आरबीए का इस इधर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ जाने के चांसेस 48+ है। वही एससी कैटेगरी का कट ऑफ का एनालिसिस अगर देखा जाए तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाने के चांसेस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 42+ है। वही एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ 37+ जा सकता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में सेकंड डीवी के बाद। एंड एएलसी की बात करें तो एएलसी में फर्स्ट टाइम कट ऑफ 48+ गया था और इस बार जाने के चांसेस 44 है। देन ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाने के चांसेस 43+ है। एंड पीएसपी का जो कट ऑफ है वो 38+ जा सकता है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। देन सोशल कास्ट की बात करें तो 47 का कट ऑफ जा सकता है एंड एक्स सर्विस मैन का 29+। तो ये कोई ऑफिशियली कट ऑफ तो नहीं है, पर हमने पूरा अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि हम आपके ऊपर आपके तक एक डिटेल्ड और अच्छा एनालिसिस लेके आए। तो आप हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम। शोपियां डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ जाने के चांसेस 48+ हैं ओपन मेरिट का। आरबीए की बात करें तो आरबीए का जो कट ऑफ है वो 44+ जा सकता है, जबकि फर्स्ट टाइम इसका कट ऑफ जो था आरबीए का वो 48 तक गया था। एंड ओपन मेरिट की बात करें तो इसका कट ऑफ 53.10 गया था। वहीं एससी की बात करें तो सेकंड टाइम इसका कट ऑफ जाने के चांसेस 42+ है। वहीं एससी का फर्स्ट टाइम कट ऑफ 47+ किया था। और एसटी की बात करें तो एसटी का फर्स्ट टाइम कट ऑफ जो डीवी के बाद कट ऑफ गया था, जब सिलेक्शन लिस्ट आई थी तो जो कैसे भी ने कट ऑफ रिलीज किया था उसमें बताया था 44 के करीब गया था। एंड सेकंड टाइम 39+ जा सकता है, जहाँ उसके आसपास रह सकता है। वही ईडब्ल्यूएस के ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हुए हम बता सकते हैं कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट में ईडब्ल्यूएस का सेकंड कट ऑफ 45+ जाएगा एंड पीएसपी का 37, वहीं सोशल कास्ट का 42 एंड एक्स सर्विस मैन का 22 रहेगा, जो कि 25 और 30 के करीब है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं अब। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी रामबन डिस्ट्रिक्ट। रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रह सकता है वो 46.5 जा सकता है। वहीं जो फर्स्ट टाइम कट ऑफ 51.75 गया था। आरबीए की बात करें तो आरबीए में फर्स्ट टाइम कट ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट में 48.53 गया था, जो कि इस बार जाने के चांसेस 44+ है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में फर्स्ट टाइम कट ऑफ 46.97 गया था और इस बार जाने के चांसेस 41+ है, जबकि एसटी कैटेगरी की बात करें तो इस बार सेकंड डीवी में कट ऑफ जाने के चांसेस 39+ है। वहीं एएलसी की बात करें तो एएलसी में कट ऑफ 42+ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस में 44 एंड पीएसपी में 35 to 38 तक रह सकता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं सोशल कास्ट की बात करें तो इसका कट ऑफ 41+ जा सकता है, और एक्स सर्विस मैन की बात करें सेकेंड डीवी के बाद तो ये 25 तक कट ऑफ रह सकता है, 25 से कम भी हो सकता है 24 तक, पर 25-24 तक आप मान सकते हैं लास्ट जो सिलेक्शन लिस्ट निकल सकती है उधर तक जा सकता है। और अब मोस्ट डिमांडिंग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, जिसका फर्स्ट टाइम ओपन मेरिट का कट ऑफ 56 गया था और इस बार जाने के चांसेस 47 है। ट्रेंड देखकर हम बता रहे हैं आपको एनालिसिस करके। एंड देन आरबी कैटेगरी की बात करें तो इस बार जाने के 45+ चांसेस हैं। एंड एससी कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो इसका 42+ जा सकता है, जो कि फर्स्ट टाइम 46 गया था। एंड एसटी की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसका कट ऑफ 48+ गया था,
और इस बार जाने के चांसेस 41+ है। वही एएलसी की बात करें तो सेकंड डीबी के बाद इसका कट ऑफ मेरे को लग रहा है 40+ जाएगा, जो फर्स्ट टाइम 47+ किया था। ईडब्ल्यूएस का भी 47 तक ही गया था और ये भी 40+ जाने के चांसेस है। वही सोशल कास्ट की बात करें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, तो ये 42+ रह सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका 48.53 तक कट ऑफ गया था। और एक्स सर्विस मैन की बात करें तो ये 26+ जा सकता है। तो ये तो हो गई हमारी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात। तो आज के लिए हम अभी के लिए इतनी ही डिस्ट्रिक्ट की वीडियो के लिए बात करेंगे, और नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट की वीडियो होगी वो हम कुछ ही देर में आपके लिए अपलोड कर देंगे। 1-2-3 घंटे बाद हम आपके साथ एक और न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि हम बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे, जेके लेटेस्ट अलर्ट्स पे, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मासिस्ट, सोशल सॉरी स्टॉक असिस्टेंट एंड सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की क्लासेस लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्री क्लासेस का फ़ायदा मिल सके, और उन बच्चों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स पर जाके अपनी कोचिंग नहीं ले पाते, तो उनको फ्री क्लासेस का फ़ायदा मिले। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।